इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी पर श्री हरि 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन जो भी जातक उपवास रखते हैं उस पर श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है। ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, इसलिए देवउठनी एकादशी पर उनके प्रिय पौधे तुलसी को कुछ चीजें अर्पित करनी चाहिए। पहला लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं, दूसरा पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के गमले पर बांध दें। तीसरा तुलसी को लाल कलेवा जरूर चढ़ाएं। चौथा तुलसी पर कच्चा दूध अर्पित करें, उसके पहले तुलसी के समक्ष एक दीपक जलाएं। श्री हरि को 11 तुलसी दल अर्पित करें, फिर उनके सामने प्रार्थना करें। देवउठनी एकादशी के दिन ये सभी अर्पित करें जिसके प्रभाव से आपको जीवन में धन वैभव की प्राप्ति हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जिन लोगों के विवाह में परेशानी आ रही है या जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो यह उपाय जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवा एन एजुकेशन ब्लॉग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें।